इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम हैक्सोपोर्ट्स के अंदर यानी इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस और एक्सक्रीशन में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको डिस्कस करेंगे इंसेक्ट्स के अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन के लिए इन्वॉल्व हैं उनको हम कहते हैं मेलपैगिन मेलपैगियन ट्यूब्यूल्स और रेक्टम मेलपैगियम ट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर्स हैं विच यूजली एंड ब्लाइंडली इन दिलोंग एंड ओपन टू द गट ट्रैक्ट और ये मेलपैगियन ट्यूबूल्स कहाँ पर मौजूद होंगी इंसेक्ट बॉडी में जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फोरगट मिड गट और हाइंड गट हाइड मिड गट और हाइंड गट का जहाँ पर जंक्शन है वहाँ पर मेलपैगियन ट्यूबुल्स मौजूद होंगी अब मेलपैगियन ट्यूबुल्स के साथ जो हैं वो माइक्रोवीलाए हैं माइक्रोवेलाय वो स्ट्रक्चर हैं जो कि इसके इनर सेल्स की सरफेसिस को कवर करेंगी वेरियस आयन्स जो हैं दे आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इन टू दिज मेलपैगियन ट्यूब्यूल्स और वाटर जो है दैट आल्सो फॉलोज दे इन टू दिस मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स पैसिवली यूरिक एसिड जो है दैट इज़ आल्सो सिक्रेटेड इन टू दिस ट्यूब्यूल्स और इन टू दिज और अमाइनो एसिड्स एंड अदर आयसर इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट इन इंसेक्ट्स लिविंग इन एक्वेटिकेल एज टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स, एज द वेस्ट प्रोडक्ट्स दे आर डिफरेंट इन एनवायरनमेंट एंड दे आर डिफरेंट इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स दे प्ले देयर रोल रेक्टम के अंदर वाटर सर्टन आयंस और अदर मटीरियल्स ये जो हैं ये रिएबॉर्ब हो जाएंगे और यूरिक एसिड जो है दिस विल बी एलिमिनेटेड आउट एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फिर एक, यूरिक एसिड जो है इसकी एक्सक्रीशन इट इज़ हैविंग एडवांटेज इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बिकॉज इट मिनिमाइज द वाटर लॉस यानी अमोनिया जो है जो कि एक्वेटिक एनिमल्स में मौजूद होगा और इनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करने के लिए हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होती है जबकि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं इनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतना वाटर नहीं है इसलिए यूरिक एसिड को लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ भी एलिमिनेट किया जा सकता है सो देयर इज हाउवेयर एंड एवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ इन एक्वाटिक एज वेल एज इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फिर इसके अंदर समटाइम्स ये है कि जो प्राइमरी नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स बनेंगे दे आर यूजली कन्वर्टेड इंटू सेकेंडरी नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल अमोनिया जो है दिस विल बी कन्वर्टेड टू यूरिक एसिड एट द एंड इज एनर्जेटिकली कॉस्टली फिर फूड एनर्जी जो है टेरस्ट्रियल इंसेक्ट्स के अंदर वेन एवर इट कन्वर्ट्स द फूड प्रोडक्ट्स देयर वेस्ट इंटू द Uric acid are uh, metabolic waste. It usually consumes a lot of body energy. Or, like in terrestrial aquatic animals, ke andar, simple diffusion ka process is through aquatic products. Jo hai, they are eliminated out of the body from the body into the surrounding water. So, they does not consume much of their metabolic energy. Through this diagram, we can see that insects, are under. एक्शन के लिए थ्री मैकेनिज्म इन्वॉल्व है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव मूवमेंट और डिफिकेशन दीज आर द ट्यूब्यूल्स दैट प्रीवियसली डिस्कस दैट दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गर्ट एंड हाइंड दीज आर द ट्यूब्यूल्स दे आर दे आर हैविंग ब्लाइंड एंड्स अब इनके अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइंड गट के बाद ये यूरिक एसिड जो है दिस इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी एंड थ्रू दिस little water in terrestrial insects this uric acid will be eliminated and reabsorption of ions and water will take place through this rectum